ये वीडियो बिना स्किप करिए पूरा देखिए, भले पसंद नहीं आया तो लाइक मत करना और डिसलाइक भी मत करना, बट वीडियो पूरा देखिए एंड तक। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है भावेश और आप देख रहे हैं आस्क भावेश मराठी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द मेन क्वेश्चन, व्हाई यूट्यूब, व्हाई मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया? ऑब्वियसली बात है, टिकटॉक बैन हो चुका है, जहाँ पे टिकटॉक पे थोड़ी जल्दी ग्रोथ मिल जाती थी, पर यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा अच्छे कंटेंट के साथ अगर करो तो आप यहाँ पे भी सक्सेस हो सकते हो। यूट्यूब हैज़ ओवर 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, जिसमें से आप भी एक हो और आप क्रिएटर की साइड जा सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2020 में शायद तक लेट है यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए, बट क्या वो शायद लेट है कि नहीं? आई थिंक नहीं, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो मंथली एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पे, और उसमें से अगर आप एक हो जो क्रिएटर बन जाओ, और सपोज उस 2 बिलियन में से अगर आधे लोग, मतलब 1 बिलियन, उसके भी आधे करते करते अगर आप 100K लोगों तक भी अगर पहुंच रहे हो, तो आप सोचो कि आपको कितनी रीच मिल सकती है। YouTube पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अलग अलग कंटेंट बना सकते हो। बाकी प्लेटफॉर्म की तरह नहीं कि ट्रेंडिंग पे वो रिंग लाइट डालना है तो वही बनाओ, पाउडर फेंक के उड़ाना है तो वही उड़ाओ, वो नहीं होता है। यहाँ पे आप अपनी मन की अपनी पसंद से कंटेंट डाल सकते हो। जिस तरह अगर फिटनेस से है तो फिटनेस से, अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स से, अगर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड या फिर कोई भी अनबॉक्सिंग, रिव्यू या फिर ट्रैवलिंग, ये सब। यूट्यूब पे जरूरी ये नहीं कि हर बार आप एक ही कंटेंट डालो। जिस तरह अगर सपोज कोई टेक्निकल चैनल ग्रो हो रहा है तो आप भी वो इसी के पीछे लग जाओ, नहीं, आप अपनी मर्जी से कंटेंट बना सकते हो, फिर अपनी सिर्फ लाइफ के बारे में बता सकते हो ब्लॉगिंग करके। आप घर पे बैठे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, सब कुछ बस बनाते जाओ और वीडियो अपलोड करते जाओ। वो भी अलग एक कंटेंट है जो बहुत सारे लोग बनाते भी हैं। जो बना रहे हो वो ये मत सोचो कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, आप बस बनाओ। क्या पता पूरे दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप जो कर रहे हो वो पसंद आए, आपके बोलने की स्टाइल, आपकी जो हैबिट है वो, आपकी जो हॉबी है वो, या फिर आपका डेली रूटीन है वो उन्हें यूनिक लगता हो। तो क्या पता आप जो कर रहे हो ये सब देख के आपको वो लोग सब्सक्राइब करें और आपको हमेशा देखना चाहते हैं। क्या आपको पता है YouTube पे सबसे ज्यादा व्यूज किस कंट्री से आते हैं? नंबर 1 USA है, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 जापान, नंबर 4 रशिया और नंबर 5 पे आता है ब्राजील। और हमारा देश नंबर 2 पे है, इंडिया नंबर 2 पे, जिस जहाँ पे 130 करोड़ लोग हैं और उसमें से ऑलमोस्ट शायद तक 10 करोड़, 20 करोड़ लोग तो देखते ही होंगे यूट्यूब। उसमें से अगर आपको सिर्फ पर डे 10,000 तक भी व्यूज आते हो तो स्टार्टिंग के लेवल में, तो भी आपके चैनल को बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। सो मैं डायरेक्टली ये तो कह सकता हूँ कि इंडिया में टॉपिक की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। और तो और कुछ लोग इतने वैल्यू होते हैं कि अगर आसपास झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ चले जाएंगे अपना काम छोड़ के और आसपास वाले लोगों से पूछेंगे झगड़ा किस लिए हो रहा है, और वो लोगों का रिप्लाई आएगा पता नहीं क्या हो रहा है। बगल के गांव में अगर जेसीबी की खुदाई चल रही हो तो आप वहां भी जा पहुंचोगे जेसीबी की खुदाई देखने, ऐसे देखोगे जैसे कि जो मूवी चल रही हो। सो अब आप क्या सोच रहे हो, यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 1.5-2 लाख का कैमरा? नहीं। या फिर 5-6 हज़ार का माइक? बिल्कुल भी नहीं। या फिर 60-70 हज़ार वाला एक अच्छा फ़ोन? वो भी नहीं। आपको चाहिए बस ये कि जिस भी फ़ोन से आप वीडियो, यही वीडियो देख रहे हो वही फ़ोन, और अगर घर में ईयरफोन्स होंगे तो ईयरफोन्स, और चाहिए एक लाइटिंग सेटअप बहुत अच्छा वाला, स्टूडियो वाला? बिल्कुल नहीं। अब बस एक विंडो के पास, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक विंडो के पास, और पीछे एकदम डार्क है, थोड़ा बहुत है ब्राइटनेस बट कम है, उतना काफ़ी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप लाइटिंग स्टूडियो में जो होता है सेटअप उस तरह का यूज़ करो तो आप कर सकते हो। फिर बल्ब्स आते हैं, LEDs आते हैं, वो सब यूज़ कर सकते हो। और मेन होता है नेमिंग, चैनल की नेमिंग। ज़रूरी ये नहीं कि
किसी ने टैक्स डाला है, उसे भले टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो पर आपको ना हो, पर आपने उसका चैनल देखा और आप भी सोचो कि मैं भी अपना नाम वही रखूंगा टेक्निकल डैश 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 व्हाट एवर इट इज, ये नहीं चलेगा। आपको वो नाम रखना है जो आपको अच्छा लगे और आपके चैनल से रिलेटेड हो। और सबसे मेन बात यूट्यूब से अर्निंग की। अर्निंग बहुत सारे चैनल्स कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, और कुछ छोटे यूट्यूबर्स भी हैं जो थोड़ा बहुत अमाउंट कमा रहे हैं और वो खुद की मेहनत से कमा रहे हैं। यूट्यूब पे ऐसे काफ़ी क्रिएटर्स हैं जो कि बिना अपना चेहरा दिखाए, बिना अपनी आवाज़ लोगों को सुनाए, यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस बना के डाल भी रहे हैं जिससे उन्हें काफ़ी अर्निंग्स होती है बहुत ज़्यादा हद तक। सो आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने स्टार्ट किया, आप भी स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने से पहले ये मत सोचो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर भी दिया, अगर सपोज आपने एक वीडियो पोस्ट भी कर दी तो क्या वो लोग देखेंगे, उसे पसंद करेंगे, मुझे सब्सक्राइबर्स गेन होंगे कि नहीं, ये गलत है। आप बनाओ, अगर आप रेगुलर हो, आप अगर कंटेंट अच्छा हो, आपका क्वालिटी अच्छी हो तो आपको लोग पसंद ज़रूर करेंगे। देर लगेगी पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा। एक वीडियो बना के एक ही दिन में आप मोनेटाइज हो जाओ ये तो नहीं होगा, फिर एक दिन ज़रूर होगा और उस दिन से आप और मोटिवेट हो जाओगे और अच्छे वीडियोस और अच्छे कंटेंट्स बनाने के लिए। टिकटॉक से पहले यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस थे, थोड़ी बहुत कम हुई है टिकटॉक के कारण, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में स्क्रॉल कर करके बहुत ज़्यादा वीडियोस हम देख सकते थे अलग अलग, पर अब नहीं क्योंकि भाई साहब तो निकल गए। तो सभी लोगों के पास चांस है, सभी क्रिएटर्स के पास चांस है कि फिर से वो अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ और आकर्षित करें, अट्रैक्ट करें, ताकि वो अपने कंटेंट, हमारा कंटेंट देखे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। अब रुकना नहीं है, बस बढ़ते जाना है।